दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई सारे मंदिरों के दर्शन किए होंगे, कई जगहों पर मत्था भी टेके होंगे, पर क्या आपको पता है कि महिलाओं को लेकर मंदिरों में जाने के पीछे कई सारे कानून और राज भी हैं। दोस्तों, अगर आप एक लड़के हैं तो आपको ये वीडियो यहीं स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आप किसी धर्म स्थल पर जाती हैं तो पहले ही आपको इस बात की चेतावनी दे दी जाती है कि अगर आप मासिक धर्म से हो रही हैं तो आप उस मंदिर के अंदर नहीं जा सकती। दोस्तों, ये कानून सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि हर एक धर्म में इस कानून का पालन पूरी तरीके से किया जाता है, पर हिंदू धर्म में एक मंदिर ऐसा है जहां पर जाने के लिए महिलाओं का मासिक धर्म में होना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर आप मासिक धर्म से होती हैं और अगर आप इस मंदिर में एंट्री कर लेती हैं तो आपको एक देवी से कम समझा नहीं जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर के बारे में। ये मंदिर असम के गुवाहाटी से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर की खूबसूरती पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, पर इसकी खूबसूरती और तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस मंदिर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। जब माता सती महावीर से होती हैं उस दौरान इस मंदिर के दरवाजे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। दरअसल ये मंदिर भगवान शिव की प्रेमिका माता सती की है। भगवान शिव जितना अपनी बीवी पार्वती से प्यार नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा भगवान शिव के दिल में माता सती कल भी बसती थी और आज भी बसती हैं। दोस्तों, इस मंदिर का मुख्य प्रसाद है अम्बुवाची कपड़ा, यानी कि मासिक धर्म में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये सच है। अगर आप कभी असम जाएं तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कामाख्या मंदिर से जुड़ी ऐसी ही अनसुने रहस्यों को लगातार जानने के लिए कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।